सो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि टैग की वर्ब कनेक्ट मैक्स का एक कंपैरिजन चाहिए टैग की वर्ब एंगेज से. तो टैग की वर्ब एंगेज तो है मेरे पास, बट टैग की वर्ब कनेक्ट मैक्स जो है उससे मैं रिलेट कर सकता हूँ पर्टिकुलरली. क्यों? क्योंकि टैग की वर्ब जो कनेक्ट मैक्स है ना, वो एग्जैक्टली बीम कॉलिंग की तरह आपको लुक देती है, फील देती है और फीचर्स देती है. तो बीम कॉलिंग के साथ भी मैं इसका कंपैरिजन लेके आऊँगा टैग की वर्ब कनेक्ट का. अभी फिलहाल आप बने रहिए ताकि आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल सके. वैसे आप आ ही गए हो तो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो. साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं. लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है. डिस्क्रिप्शन पेज पे एक और सरप्राइज है आप सभी के लिए. मैं एक एप्लीकेशन से अर्निंग करता हूँ, 30,000 प्लस अर्न कर चुका हूँ और डे बाई डे बढ़ रहे हैं उसमें. और आप भी अर्निंग कर सकते हो. जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, आजियो, सारे के सारे उसमें लिस्टेड हैं. आप अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर्स में कहीं भी आप लिंक को शेयर करते हो प्रोडक्ट की, कोई भी वो बाय करना चाहते हो, तो आपको उसका हर प्रोडक्ट का, पर प्रोडक्ट का 5% से 25%, 30% तक का भी कैश मिलता है. आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो जब रिटर्न पॉलिसी खत्म हो जाती है. तो 100% सेफ एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो. फिलहाल हम इस कंपेरिजन पर आते हैं. डिस्प्ले की बात करते हैं. यहाँ पे मैक्स कहीं ना कहीं मैक्स डिस्प्ले के साथ आती है और यहाँ पे बाजी ले जाती है. पिक्सल साइज की बात करें, स्ट्रेट अवे 1.8 इंच की एलसीडी डिस्प्ले होती है. एंगेजमेंट एफडी एलसीडी पैनल का यूज किया गया, 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है. तो मैक्स स्ट्रेट अवे विनर है, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल हिट नहीं होगी पिक जब आप अपनी पिक को एज अ वॉच पीस लगाते हो. बट ये भी है ऑन द अदर हैंड, एंगेज आपकी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट भी लगती है और कहीं ना कहीं नॉर्मल टू लार्ज टू थिन विस्ट पे भी अच्छी लगेगी एंगेज. इवन स्किनी विस्ट है तो उस पर भी एंगेज अच्छी लगती है. बट मैक्स आपके लिए चौड़ी तो है बट ज़्यादा थिन विस्ट पे ही ऑड लगेगी, मीडियम टू लार्ज विस्ट पे परफेक्ट लगेगी. रेस्ट टू वेक मिल जाता है और 30 सेकंड तक आप स्क्रीन को वेक रख सकते हो दोनों में ही. साथ में बात करें 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया, बट प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने. और शार्पनेस की बात में करूँ तो यहाँ पे मैक्स में स्लाइटली बेटर शार्पनेस है एंगेज से, और पीक ब्राइटनेस में भी मैक्स हमारी आगे निकल जाती है. तो डिस्प्ले के मामले में स्ट्रेट अप विनर है हमारी मैक्स. बात करते हैं वॉच फेस की, तो 150 तक वॉच फेस मिल जाते हैं, क्लाउड बेस आप लगा सकते हो. और इन द वॉच इटसेल्फ आपको 5 से 6 मिल जाएंगे और लास्ट वाले वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, जो डिफॉल्ट वाले होते हैं उसको डिलीट नहीं कर सकते. और साथ ही में बात करें यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे मैक्स में 28 स्पोर्ट्स मोड ही मिलते हैं, एंगेज में 120 मिल जाते हैं. तो स्पोर्ट्स मोड के मामले में एंगेज बहुत ही आगे है हमारी मैक्स से. IP68 की रेटिंग मिलती है मैक्स में, एंगेज में IP67 की. 85% तक एक्यूरेसी मिलती है आपको मैक्स में, क्योंकि मैक्स में सेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया. एंगेज में आपकी एक्जैक्टली बताया नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, वैसे एक्यूरेसी स्लाइटली बेटर है आपकी मैक्स में. उसी के साथ साथ एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं. अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की. स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर मिलता है दोनों में, कॉल कट म्यूट कर सकते हो, कॉल उठा सकते हो, रिप्लाई बैक का ऑप्शन नहीं मिलता, बट वाइब्रेशन तो आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे. वाइब्रेशन म्यूट, वाइब्रेशन प्लस रिंगटोन, ओनली वाइब्रेशन या ओनली रिंगटोन, ये ऑप्शन मिल जाते हैं. पूरा म्यूट करने का ऑप्शन भी दोनों में मिल जाता है. अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, D&D मोड और साथ में आपका थिएटर मोड, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी दोनों में ही. फुल टच पैनल है, ज़्यादा स्मूथ आपका मैक्स में मिलेगा एज कम्पेयर टू एंगेज. एंगेज में थोड़ा सा लैगी भी है, मैंने अनबॉक्सिंग डिड वन रिव्यू में ऑलरेडी आपको दिखाया कि मतलब एंगेज थोड़ा सा लैग करती है एज कम्पेयर टू मैक्स. और ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 दोनों में ही देखने को मिलता है. उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही शाइन करती हैं. फाइंड माय फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, म्यूजिक ऑन द वॉच, कैलकुलेटर, गेम्स, सब चीज़ अवेलेबल है गाइस. एंड्रॉइड या iOS से पे कर सकते हो, सब चीज़ अवेलेबल है. तो दो चीज़ें मिसिंग है ना अभी भी, इंटरनल मेमोरी, TWS पेनिंग का ऑप्शन होता मज़ा आ जाता, जो कि दोनों में अवेलेबल नहीं है. सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं, बट थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को इंप्रूव किया गया जिसकी वजह से मैक्स थोड़ी सी फ्लूड नजर आती है एंगेज से. और कस्टम UI यूज़ किया गया, लिस्ट ग्रिड वाला मेन्यू मिल जाता है. उसी के साथ साथ सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है और गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो, अपडाउन, लेफ्ट राइट, सारे के सारे फीचर्स का एक्सप्लोर करने के लिए. बट अगर हम बात करें बैटरी बैकअप, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो मैक्स में स्लाइटली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एंगेज. और 30 डेज का स्टैंड बाय टाइम भी मिलता है. मैक्स तो आपको फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करती है, 2 घंटे फुल चार्जर में देती है वैसे तो. वैसे अगर आप 18 वाट का चार्जर यूज़ करते हो 18-20 वाट का, तो करीब करीब 1.5 घंटे में 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है. 70 रन टाइम क्लेम करती है दोनों ऑन द पेपर. और उसी के साथ साथ मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट भी दोनों में देखने को मिलता है. बट मैं रिकमेंड करता हूँ 20 वॉट का चार्जर मैक्सिमम आप यूज़ करें, उसके ऊपर ना यूज़ करें, वॉच ख़राब हो सकती है. मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है, मेरे पास रियलमी की पुरानी वाली वॉच थी जिसको मैं 30 वॉट से चार्ज किया था तो ख़राब हो गई थी वॉच, मेरे पास पड़ी हुई है. अगर आप चाहते हो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा किस तरीके से सेफली आप वॉचेस को चार्ज कर सकते हो और कौन से सोर्सेज से चार्ज करना चाहिए वो ज़्यादा बेटर मतलब आपको याद होना चाहिए. एक्चुअल यूज़ की बात करें तो सारे सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके अगर फिटनेस वॉच यूज़ करते हो तो आराम से 5 दिन चल जाएंगे दोनों में ही. मेरे को एंगेज में अभी हाल फिलहाल में यूज़ कर रहा हूँ तो 4 से 5 दिन का बैटरी लाइफ मिल जा रहा है. अगर मैं फिटनेस मोड पे यूज़ करता हूँ, कॉलिंग पे यूज़ करता हूँ, तो 1 से 1.5 दिन का ही बैटरी बैकअप मिलता है आपको. मेन फीचर्स की बात आती है, HR मॉनिटर मिल जाता है, SPT12 मॉनिटर का ऑप्शन भी है. एंगेज में BP मॉनिटर मिलता है, मैक्स में आपको SPT12 मॉनिटर मिल जाता है. स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है. उसी के साथ साथ एक्यूरेसी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्स में आपको ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी मिलती है एज कम्पेयर टू एंगेज. और सेडेंटरी रिमाइंडर तो दोनों में देखने को मिल जाता है.
बात करें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दोनों की अच्छी है, टॉप नॉच मिलती है। इवन एल्युमिनियम की केसिंग है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। और यहाँ पे एक्सपेक्ट टू लिख गया, ये मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे मैक्स की बात करें तो यहाँ पे जो वेट है 45 ग्राम्स का है, एज़ कम्पेयर टू एंगेज में थोड़ा सा ज़्यादा है। और 22 mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया है आपका मैक्स में, और एंगेज में 20 mm है। आफ्टर मार्केट का आप चूज़ ऑन कर पाओगे। सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है दोनों में ही, तो स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया है। मेन बिल्ड क्वालिटी दोनों की टॉप नॉच है, एल्युमिनियम की केसिंग है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। प्राइसिंग पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे 1800 में एंगेज मिल रही है, 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, राइट। तो 500 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको मैक्स मिल रही है। मैक्स में 500 रुपये एक्स्ट्रा देके क्या चीज़ें मिल रही है वो आपको बताया था। डिस्प्ले की शार्पनेस, कलर एक्यूरेसी, पीक ब्राइटनेस, स्मूथनेस डिस्प्ले की, ये चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है मैक्स में, दैट्स इट। एंगेज में आपको सारी चीज़ें मिली जाती हैं। स्पोर्ट्स मोड ऑल दो यहाँ पे मैक्स से बहुत ज़्यादा है। एक्यूरेसी स्लाइटली बेटर मिलती है मैक्स में आपको, बट ये सब सुन के आपको एग्जैक्टली आपको तो ये चाहिए ना कि कौन सी वॉच बेटर रहेगी लास्टली। तो गाइज वैल्यू फॉर मनी इंगेज ही है यहाँ पे। मैक्स फीचर्स से बाहर आती है, निकल के आती है, थोड़ा सा स्टैंड आउट करती है, बट मेरे को मैक्स के कुछ फीचर्स सही नहीं लगे। जैसे कि इसमें आपको इंटरनल मेमोरी देनी चाहिए थी कंपनी को। दूसरा, इसमें क्या करना चाहिए था, एमोलेड डिस्प्ले नहीं भी है तब भी ठीक है, बट स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे बढ़ाने चाहिए थे। तो गाइज ये सेंस नहीं बनता, मतलब 2000 रुपये बहुत था मैक्स का, बट 2399 रुपये मतलब 2400 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में ऑन अमेजोन मिल रही, तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि प्राइस ज़्यादा है ऑन द हायर साइड। तो गाइज अगर आपको 2000 या 2100 तक भी मिल जाती है मैक्स तो ज़्यादा बेटर है, बट एंगेज अभी तो ट्रू वैल्यू फॉर मनी है, 1800 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में कॉलिंग फैसिलिटी आपको दे रही है, राइट। तो यही था मेरे डिपडाउन कंपेरिजन। वैसे वोट जाता है एंगेज के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोनों की बेस्ट पेलिंग अपडेट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन पेज पर, आप जाके सीधे बाय कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।